आखिरकार काफी अरसे बाद मैं अपने घर वापस आ गया। कल्याण जंक्शन यार, रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया इन लोगों ने, लेकिन मुझे टाइम भी तो काफी हो गया। कितनी ऊंची बिल्डिंग वगैरह बन गई है। वो रहा मेरा गांव। मेरा गांव पहले पूरा फैला हुआ था, लेकिन यार काफी लोगों ने लगता है जमीनें वगैरह बेच दिए यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, भैया ने बोला था गाड़ी खड़ी करके जाऊंगा, लोग भी लगाया या नहीं पता नहीं। चलो मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी बहुत पहले से पड़ी है और ये वही पुराना खटारा गाड़ी है यार। चलो कोई बात नहीं, अपने घर चलते हैं। और वैसे भी ये गाड़ी दो दिन से यहाँ पर पड़ी है, मैं एक दिन पहले आने वाला था, लेकिन भाई दो दिन हो चुके हैं और गाड़ी भाई अच्छा हुआ चोरी नहीं करी किसी ने। वैसे भैया भी बोल रहे थे मैं जॉब के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो पता नहीं घर पे कोई होगा या फिर नहीं। चलो अपने घर तो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और घर को कलर भी करा दिया भैया ने, काफी सुंदर लग रहा है यार। और स्टोर रूम भी है लेकिन वहाँ पे लॉक लगा हुआ है भाई, बाइक भी बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं यार, एक चीज देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि काफी सारे लोगों ने घर को खाली कर दिया यहाँ से, पता नहीं कहाँ पर जाके शिफ्ट हो गए। और मेरे घर पे भी लॉक लगा हुआ है यार, मुझे ऐसा ही लग रहा है अंदर कोई होगा या फिर नहीं। हेलो भैया, अंदर हो क्या यार? कोई आवाज ही नहीं आ रही अंदर से। अरे भैया अंदर हो के नहीं बताओ तो सही यार, मुझे लग रहा है भैया अभी तक जॉब से आए नहीं है यार, अब मुझे फोन लगाना पड़ेगा। चलो भैया को फोन लगाते और पूछते कहाँ पर है। यार भैया बोल रहे कि घर मैंने शिफ्ट कर दिया। यार मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं दो दिन से यार यही सोच रहा था कि घर यहीं पर होगा अपना। अब भैया ने बोला कि एयरपोर्ट के पास घर शिफ्ट कर लिया है, वहां पर तुम्हें एक और सुपर स्प्लेंडर खड़ी मिल जाएगी, वही अपना घर है। यार चल के देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा घर लिया यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग है कहाँ पर घर को ढूंढूंगा मैं। काफी भटकने के बाद फाइनली यार मुझे घर मिल गया। भाई कितना बड़ा घर बनाया भैया ने, लेकिन इसके दरवाजे क्यों नहीं लगाए, लगता है अभी भी काम चल रहा है यहाँ पर। और स्विमिंग पूल भी आगे, ये स्विमिंग पूल है पता नहीं क्या है, इतना छोटा सा ये कैसा स्विमिंग पूल है यार। चलो कोई बात नहीं, फिर भी घर काफी बढ़िया लग रहा है, लगता है काम चल रहा है। और मजदूर वगैरह भी नहीं दिख रहे यार, काम अधूरा तो नहीं छोड़ दिया भैया, पता नहीं शहर पे आके पागल हो गए मतलब। तो यार पूरी सिटी मैंने घूम ली और घूमते घूमते पूरी रात हो गई है। चलो जल्दी से चल के सो जाते हैं और सुबह कुछ और काम धंधा करने चलेंगे फिर। चलो यार सुबह तो हो गई, लेकिन भाई इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर, चल के देखना पड़ेगा। 100% यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है, मेरी गाड़ी भी कोई पलट के चला गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो इस सिटी में गड़बड़ है। भैया भी नहीं दिख रहे, पता नहीं कौन किससे बात कर रहा था मैं। अरे ये कौन लोग हैं? अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, अरे ये तो अटैक करे, भाग। अबे इनकी ऐसी की तैसी, ये कौन लोग है, कहाँ से आ गए? अरे भाई मैं गलत सिटी में तो नहीं आ गया, पता नहीं कहाँ पर आ गया मैं, ये तो जमीन के अंदर भी घुस गए। अरे भाई इनके पास कौन सी पावर है भाई, ये तो मर भी नहीं रहा। अरे भाई साहब ऐसे तो मैं इनको कभी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे जाने दो मुझे जाने दो भाई साहब, ये तो जमीन के आर पार भी जा सकते हैं, इनके पास तो बहुत ही खतरनाक पावर है। एक सेकंड में सीढ़ियों पे चढ़ जाता हूँ भाई साहब इनके पास। अरे नहीं यार ये तो घर के आर पार भी जा सकते हैं, इनके पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है यहाँ पर। और भाई बाहर चल के देखता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। अरे बाप रे बाप, जल्दी से बोरा बिस्तर। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं बचने वाला। अरे भाई मेरी तो हड्डी पसली टूट गई, भाग भाग जल्दी। अरे लूला लंगड़ा कर दिया भाई, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे बहुत ही ऊंचाई वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाए। मानता हूँ कि ये जमीन के आर पार जा सकते हैं, लेकिन ये ऊंची जगह पर नहीं आ सकते, ये इनका तोड़ मैंने ढूंढ लिया है। अब जल्दी से मुझे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ये ना आ पाए। हाँ ये जगह मुझे थोड़ी ऊंची लग रही है, चलो अंदर चलता हूँ, यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं आ पाएंगे। जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ पर तो कोई नहीं। अरे यहाँ पर भी आ गए, इनकी ऐसी की तैसी भाई, क्या करूँ मैं। चलो यहाँ पर सभी को रास्ता पता नहीं चला, इनको मारना पड़ेगा। और ये मर क्यों नहीं रहा यार, मैं इसको हेडशॉट मार रहा हूँ फिर भी नहीं मर रहा ये। चलो एक तो मर गया यहाँ पर। अबे यार कौन सी मिट्टी के बने भाई ये, यार मुझे हाईटेक वेपन की जरूरत है, इससे काम नहीं चलने वाला AK-47 से। भाई एक चीज मैंने इनकी नोटिस की, ये मरने के बाद जमीन के ऊपर आ जाते हैं, ये पता नहीं इनके पास कौन सी घोस्ट पावर है यार। मुझे है ना कोई तगड़ा वेपन चाहिए जिससे ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही वार में मर जाएं। टीवी में देखता हूँ कुछ आ रहा है क्या, ये क्या चीज है, ये तो मुझे रोल्स रॉयस का कोई नया मॉडल लग रहा है। अच्छा इसके अंदर हाईटेक वेपन लगे हुए हैं, ज़ॉम्बीज़ अपने आप मर रहे हैं टच उठ के। अरे भाई साहब यही तो मुझे चाहिए भाई साहब, लेकिन ये रोल्स रॉयस मुझे मिलेगी कहाँ, और दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर, ये रही वो रोल्स रॉयस, अब तो इसके पास जाना ही पड़ेगा मुझे। तो ये रही वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह, और इन ज़ॉम्बीज़ ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे जाने दो,
भाई ये तो हाथ पकड़ के गाड़ी से उतार देते हैं भाई, मुझे जाने दो। अरे यार छोड़ दो मुझे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, बस मुझे एक बार वो गाड़ी लेकर आने दो। भाई ये काफी ऊंची जगह है, पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा। यार ये कहां पर जा रही है, आसमान में जा रही है एकदम, देखो तो सही इतनी ऊंची जगह है भाई। अगर मैं यहाँ से गलती से नीचे गिर गया ना, मैं नहीं बचने वाला, ये जगह सच में बहुत ज्यादा ऊपर है। बस भाई एक बार और मैं पहुंच गया और रोल्स रॉयस मुझे फाइनली मिलने वाली है, आखिरकार मैं पहुंच गया। लेकिन रोल्स रॉयस कहाँ पे? गाइस ये तो इनविजिबल कार थी ये, मैंने एक बटन दबाया और यहाँ पर आ गई ये कार। चलो अब इसको नीचे लेकर चलते हैं, सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मजा चकाने वाला हूँ। इसके अंदर पता नहीं बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, पता नहीं कौन से बटन से यहाँ पर ज़ॉम्बी मरेंगे, मुझे नहीं पता। एक बार नीचे लेकर चलते हैं इसको। अरे नहीं 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 नहीं, ये गाड़ी तो अनकंट्रोल हो गई भाई, अब नहीं बचने वाली ये कार। कार की छोड़ो, मैं बचूंगा या फिर नहीं, यार मुझे इस कार पे भरोसा करना ही पड़ेगा। प्लीज कार मत फटना। यस यस मैं बच गया, अब मुझसे एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचेगा, मैं सबको मारने वाला हूँ, एक भी नहीं बचेगा। तू आएगा बेटा, तू भी निकल। यहाँ पर मेरे पास सबसे पावरफुल गाड़ी आ चुकी है गाइज, अब देखो गाइज मैं क्या तबाही मचाता हूँ। ये गाड़ी मैं कितनी भी पलटा दूँ लेकिन ये गाड़ी फटती नहीं, इतनी ज़्यादा मजबूत गाड़ी है ये, बहुत ही खतरनाक। चलो इसको घर पे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा रिपेयर भी करेंगे। गाइज अब मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे जल्दी से काम करके लोगों की जान बचानी पड़ेगी। ये टीवी में क्या आ रहा है? अरे बाप रे, अच्छा ये वही लैब है, यहाँ पर इलीगल काम चल रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर अच्छा अब समझ में आया, यहाँ पर ये वायरस लीक हो चुका है, तभी यहाँ पर ये सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो अगर ये वायरस यहाँ से लीक हो रहा है तो ये वायरस आग की गर्मी को सहन नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक्सप्लोजन लगा के इस लैब को ही उड़ाना पड़ेगा और सारे ज़ॉम्बीज को भी मारना पड़ेगा ताकि आगे और ना फैले। तो चलो मैंने रोल्स रॉयस को रिपेयर कर दिया है, अब जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पर और जितने भी ज़ॉम्बीज वहाँ पर है सभी का खात्मा करेंगे और उस एयरपोर्ट की इल्लीगल लैब को भी उड़ाएंगे। और ये सब हमें जल्दी करना होगा वरना ये ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। यार मैं एयरपोर्ट पे तो आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। और इन्होंने हमला बोल दिया मेरे ऊपर, बस मुझे रोल्स रॉयस के अंदर बैठे रहना हिम्मत के साथ। यार वैसे तो रोल्स रॉयस काफी ज्यादा मजबूत लग रही है मुझे, प्लीज फटना मत फटना। अरे नहीं यार इन्होंने मेरे को बाहर फेंक दिया, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं नहीं इन्होंने घेर लिया। अरे मेरी हेल्थ जा रही है, जल्दी बैठो कार के अंदर। अरे निकल 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 भाई भाई भाई, जल्दी जल्दी छोड़ दो मुझे, जाने दो सालों। अरे भाई जल्दी बैठ कार में, जल्दी बैठ, अरे जल्दी जल्दी। और यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज गए खत्म, सारे ज़ॉम्बीज उड़ा दिए भाई मैंने, सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, सारे ज़ॉम्बीज को मैंने मार दिया। ये देखो नीचे आके गिर रहे हैं। यार ये काफ़ी पावरफुल कार निकली, मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था, इसने तो सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। सामने दो ज़ॉम्बीज और हैं, इनको कार की ज़रूरत नहीं है, इनको चाहिए एक विटामिन की गोली। और ले बेटा चल तू भी निकल और इसको भी मारते हैं। अरे इसको हेडशॉट नहीं लग रहा, इसको बॉडी शॉट देना पड़ेगा। चल बेटा यार चलो, यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, अब लैब की बारी है। तो यही वो इल्लीगल लैब है जहाँ पर इल्लीगल काम होते हैं, तो इसको मुझे एक्सप्लोजन के साथ उड़ाना पड़ेगा, यहाँ पर वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बाकी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैं ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना, क्या पता ये वायरस मेरे पे असर नहीं कर रहा हो और यहाँ पर मुझे भेजा गया हो किसी मिशन के लिए, नहीं पता। लेकिन मैं इस लैब को पूरी ख़त्म कर दूंगा, पूरी उड़ा दूंगा, एक भी जगह बाकी नहीं रखने वाला मैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सप्लोजन लगा दिए जितने भी मैं लेकर आया था, अब इसको उड़ाने की बारी है, बहुत हो चुका, अब यहाँ पर एक भी वायरस नहीं बचेगा। गुड बाय ज़ॉम्बीज एंड गुड बाय द लैब।